मैं जो है डॉक्टर शुमाइला को वेलकम कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई नो आज बहुत मुश्किल है। ऑलवेज माय प्लेजर, लेकिन इट वाज अ वेरी सैड डे। आई नो It was a sad day and I really thank. अच्छा अब हमें आपके स्किन का भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अब आप टीवी पे आ रहे हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम डॉक्टर शुमाइला के पास जाते हैं। बारिशें नहीं हो रही, इट्स एक्सट्रीमली ड्राई और उसकी वजह से हमें जो फेसबुक पे सवाल आए हैं तो एक खातून हमसे पूछती है, मैं एग्जैक्टली वही पूछ लेती हूँ आपसे कि सर्दियों में मुझे स्किन एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, इससे मैं कैसे बच सकती हूँ? और उन्होंने खुद डायग्नोज किया है कि बारिश ना होने की वजह से मुझे जो है स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेस निकल आते हैं जो टेम्पररी होते हैं। अब रैशेस कई तरह के होते हैं ना, उसमें अर्टिकेरियल एलर्जीज भी होती है जिसमें जगह जगह जिस्म पे ददोड़े नुमा चीजें बनती हैं, वो 24 आवर्स लेके बैठ जाती हैं और फिर रीअपियर होती हैं। एक तो ये होता है, ठीक है। दूसरे वो सही कह रही हैं कि बारिशें नहीं हुई हैं और फुल ब्लूम विंटर्स भी नहीं आए हैं, मतलब कुछ दरमियाना सा मौसम है जिसमें कभी आपको गर्मी लग रही है और कभी सर्दी लग रही है। तो इसमें जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर्स है इसको स्किन को जो है अंडरस्टैंड करना और पूरा उस फॉर्म में जाके अपनी जो प्रोटेक्शन करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि बारिश नहीं है तो जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है दैट इज वेरी लो, तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस, सर्दियां वैसे भी ड्राइनेस लेके आती हैं और उसके बाद जो हमारे रिचुअल्स होते हैं डेली जिसमें हम चाय ज्यादा पी रहे हैं, हम कॉफी पी रहे हैं, हम ग्रीन टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज आपकी बॉडी से जो वाटर कॉन्टेंट है उसको एलिमिनेट कर रही है, तो डेफिनेटली स्किन पे उसका असर पड़ता है। फिर उसके अलावा स्किन को अंदर से हाइड्रेशन के साथ साथ बाहर से भी मॉइस्चराइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत बढ़ जाती है। वैसे तो ऑल द ईयर वी नीड द स्किन नीड्स मॉइस्चराइजेशन ताकि वो अपना प्रॉपर जो स्किन बैरियर फंक्शन है उसको करती रहे सही तरह से, लेकिन सर्दियों में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो टू फोल्ड हो जाती है। और उसमें कौन से मॉइस्चराइजर्स आपने यूज करने हैं, अगेन मैं फिर कहूंगी कि स्किन टाइप बिल्कुल नहीं, स्किन टाइप्स के साथ साथ वेदर टाइप के साथ साथ यू हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट्स। अच्छा, यू कांट स्टिक टू द समर वंस, आपने विंटर्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं जिनमें ज्यादा ह्यूमेक्टेंट्स के अलावा उसको स्किन को डीपली नरिश करने के लिए जो मॉइस्चराइजर्स यूज होते हैं जिनमें ट्राइग्लिसराइड्स हो, सॉबिटोल्स हो, यूरिया हो, इसलिए कि स्किन जब विंटर में आती है तो आपने नोट किया होगा कि फ्लेकीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह यह होती है कि विंटर्स में स्किन की एक्सफोलिएशन जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा। स्किन की जो एक्सफोलिएशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से अगर आप उसको डेड स्किन रिमूव नहीं करते या उसका आप एक्सफोलिएट नहीं करते उसको प्रॉपरली तो वो डेड स्किन बिल्डअप ऊपर जमा होता रहता है जो अगेन इरिटेशन, खारिश और जो डीप स्किन है उसकी मॉइस्चराइजेशन में भी हिंड्रेंस पैदा करता है। तो उसमें भी हम कहते हैं कि शॉवर्स में आप वीक में एक दफा कोई भी एक्सफोलिएटर लेके जैसे एक बड़ा अच्छा सा एक्सफोलिएटर अक्सर मैं बताती होती हूँ, कॉफी बीन्स और ब्राउन शुगर और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके आप ब्राउन शुगर बाद में डालें, कोकोनट ऑयल और कॉफी बीन्स को ग्राइंड करके आप रख लें वॉशरूम में किसी बॉटल में, एंड वंस इन अ वीक जब आप शावर ले रहे हो तो आपने उसको एक्सफोलिएट कर लेना है बॉडी पे अच्छी तरह रब करके, इतनी सॉफ्ट स्किन और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है एब्जॉर्ब करने की मॉइस्चराइजर्स को। अच्छा, मैं तो एक बड़ा देसी सा टोटका सबको बताती हूँ कि वो जो बड़ी वाली तोरी के अंदर जो लूफा सा होता है, ठीक है, उसको भी अगर आप किसी भी ऑयल में जो है थोड़ा सा डुबो के उसको अगर आप शावर में इस्तेमाल करें तो इतनी बेहतरीन स्किन। लूफा से होता क्या है कि आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो रही होती है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि आपकी स्किन जब एक्सफोलिएट होगी तभी तो कोई मॉइस्चराइजर उसमें पेनिट्रेट करेगा, अदरवाइज डेड स्किन के अंदर से तो आप पेनिट्रेट नहीं करा सकते ना, बिकॉज इट्स गोइंग टू एक्सफोलिएट समहाउ, तो उसके जो नीचे स्किन पड़ी हुई है उसको ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत है विच इज लिविंग, इट्स नॉट डेड। एक ये चीज। दूसरी चीज जो इनके साथ भी होती होगी, सर्दियों में हम लोग हॉट शावर्स और वेरी वार्म बाथ्स जो है वो लेना शुरू कर देते हैं विच इज वेरी डेंजरस फॉर स्किन। अच्छा, किसी भी तरह से तो उसमें ये है कि थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म आप उस पर चले जाएं, थोड़ा सा जो काबिले बर्दाश्त जरा ल्यूकवॉर्म हो जिसमें अच्छा भी लगे और अपने शावर्स को शॉर्ट कर दें, लंबे लंबे शावर्स नहीं लेने आपने। बिल्कुल, क्योंकि जितना आप लंबा शावर लेंगे उतनी आपकी स्किन जो है डिहाइड्रेटेड होती जाएगी,
पानी तो जाया, वो तो किसी ने सोचा ही नहीं यहाँ पे कि क्या करना पानी चाहिए, के साथ क्या करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मैं तो कुछ लोगों को जानती हूँ, बल्कि कुछ अरसा मैं खुद भी कसूरवार थी इसकी, कि जिनके घर में गैस नहीं आ रही होती या इलेक्ट्रिक हीट वो जो है गीजर्स वगैरह लगे हुए होते, तो आपको इतनी ठंड लगती है कि किसी तरह ना पांव गर्म होते हैं ना हाथ गर्म होते हैं, तो आप जाके एक हॉट शावर ले लेते हो, ठीक है, और उसके बाद ही आपको थोड़ी देर के लिए सुकून आता है। पर ये बात थी जब सर्दियां होती थी, जब ठंड लगती थी, सर्दियां हैं ही नहीं अभी तक, कोट बूट्स कुछ भी मेरा जो है नहीं निकला। अच्छा, इन्होंने एक एलर्जेंस की बात की कि मुझे लगता है कि मुझे बार बार रिकरिंग एलर्जी होती है, मेरी स्किन पे थोड़ी देर के लिए रैशेज आ जाते हैं, तो इसका जो है कुछ डॉक्टर साहब ने जिक्र किया ना अर्टिकेरियस के बारे में, देयर आर थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ रीजंस टू हैव अर्टिकेरियस। सिंपल सी एग्जांपल ये है कि एयर के किसी भी स्पेसिन में यू हैव देयर अबाउट 3,450 एलर्जेंस, ये जो हम स्वॉलो करें या हमको टच करें ना हमारी स्किन को लगते हैं, तो ड्राई स्किन में इन एलर्जन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अच्छा। कई लोगों को कॉन्टेक्ट अर्टिकेरिया होता है इन द विंटर टाइम स्पेशली ड्राई स्किन से, तो ये भी एक ज़हन में रखने की चीज़ है कि अर्टिकेरिया कैन हैपन इन द ड्राई वेदर ऑन ड्राई स्किन बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट एलर्जन विच आर फ्लोटिंग इन द एयर। तो मॉइस्चराइजिंग स्किन विंटर के अंदर बहुत जरूरी है, और जैसे उन्होंने बताया कि समर के मॉइस्चराइजर विंटर्स में आप नहीं करते, और मैं अपने पेशेंट को यूजुअली जो ज्यादा फैंसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं बताता हूँ कि आप पानी और तेल जैसे हम गाँव में करते थे, ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा सा पानी अगर आप शावर के बाद जिसमें मल लें तो इट लास्ट लॉन्गर, तो यू नो द स्किन हाइड्रेशन जी, और आपके पोर्स भी उसको खुले होते हैं तो वो ज्यादा जो है अब्सॉर्ब भी हो तो जाता है, दैट कट्स डाउन अ लॉट ऑफ स्किन की इचिंग वगैरह, और फिर इचिंग ड्राइनेस इटसेल्फ कैन बी प्रोरेटिक, मतलब अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो आपको वैसे इचिंग होती है, इचिंग होती बिल्कुल। एंड सम पीपल विल स्क्रैच एंड डेवलप रैशेस, वो भी बहुत लोगों को होती है। उसमें एक चीज होती है डर्मोग्राफिज्म, कुछ लोगों में हिस्टामिन बहुत ज्यादा होती है, तो स्क्रैच जहाँ करते हैं वहाँ पे पहले तो ड्राइनेस स्क्रैच करते हैं, जहाँ स्क्रैच करते हैं वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं और सूज जाते हैं। स्क्रैच करते हैं या अगर टाइट बेल्ट उन्होंने बांध ली है या कोई शोल्डर बैग लिया है तो उसका स्ट्रैप है, तो वहीं पे उसको अर्टिकेरियल रैश डेवलप हो जाता है। तो ये एक डिफरेंट किस्म की एलर्जी। एक मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी, पहले मैं कॉलर ले लूं, कि कुछ एस्मा रिलेटेड ड्राइनेस होती है कि वो इनहेलर का साइड इफेक्ट है, आई हैव हर्ड सो, कि जो इनहेलर ज्यादा लेते हैं उनको जो है ये, जितने भी एस्मा पेशेंट्स हैं मैंने यूजुअली उनके अंदर देखा है कि ये स्किन का इचिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। बातें होंगी प्यार की, मोहब्बत की, रिवायात की, सकाफत की, और मिलजुल कर बैठने की। आपको मिलेगा जवाब हमारे हर सवाल में, लगेगी दिल से दिल की बैठक। मिले हमसे चौपाल में। वेलकम बैक टू मेकती मॉर्निंग। एक और आपने जो है प्रोमो देखा, जिस तरह वो हमारी हमारी तो नहीं, तो असीक साहब की फैन ने जो कहा था कि आपकी जो झलक नजर आ रही है वो वैसे ही रौनक ले आई है हमारे घर में, तो वो आपने देखा, हमें यहाँ पर वेलकम किया, हम वेलकम करेंगे, हमें वेलकम किया। शेफ हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सुबह मैंने नाम पढ़ा डिश का, तो मेरा गेस ये था कि ये थाई है। जी थाई है, सही गेस था मेरा। क्या बना रहे हैं हम? चेंग माई बना रहे हैं। और साथ में ऑयस्टर सॉस, फिश सॉस, चिकन पाउडर, गार्लिक, शुगर, ये फिर फ्राइड गार्लिक है, फ्राई किया हुआ है, चॉप गार्लिक फ्राई किया हुआ है, एग से कॉर्नफ्लोर है, बेबी कॉर्न, बटर मशरूम्स और फ्रेश वेजिस है। जबरदस्त, ये इंग्रेडिएंट्स इसका प्रोसेस हम बता, और वो क्या है वो जो नूडल्स, ये बीन्स पॉड है, इसको बीन्स पॉड बोलते हैं, ये दाल का बना होता है। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। इसका प्रोसेस अगर एक दफा वैसे बता दें हमें कि किस तरह करना है इसको, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम मैरिनेशन करते हैं चिकन को, चिकन पाउडर, एग्स, कॉर्नफ्लोर के साथ इसको डीप फ्राई करते हैं। इसके बाद आपने चिकन को पहले फ्राई करना है, साथ में वजीज को ऐड करना है, फिर इसका सॉस बनाने, स्टर फ्राई करने, निकाल देना। अच्छा, और ये किसी चीज के साथ सर्व होगा? ये इन इटसेल्फ सर्व होता है, ये विद राइस सर्व होते हैं, लेकिन लोग ऐसे भी जो है ना स्टेल फ्राई करके खाली इसको खा लेते हैं, ठीक है, बगैर राइस, बगैर नूडल के। अच्छा, हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, और मैं आपको बड़े मजे की चीज बताऊंगी। इसको मैंने देखा तो आपको कैरेट,
पहले मुझे लग रहा था, पर ये है कहाँ की है? ये चिली से थाईलैंड के, थाईलैंड की चिली है जी, थाईलैंड से इनकी। तो जिनको मिर्चें नहीं लगती जो कह रहे थे, वो ये ट्राई ना करें, प्लीज ना करें। तो ये ना बाद में मेरी पकड़ हो इस बात पे कि मैंने ये इतना स्पाइसी नहीं होता सर, थोड़ा सा लेस स्पाइसी है। मेरे पास एक और मिर्ची है, जैसे कि ये वो मिर्ची है, ये वाला, तो ये बहुत स्पाइसी है। अच्छा, ये बहुत स्पाइसी होती है। अच्छा, तो दुनिया की सबसे स्पाइसी चिली जो वो मैक्सिकन होती है, आई थिंक सो, मैक्सिकन रेड चिली है, हैबनेरो। इस मैक्सिकन ही है ना ये, साउथ साउथ अमेरिका, एग्जैक्टली, पर्टिकुलरली फ्रॉम वन कंट्री बट दैट रीजन। एंड कोई पता नहीं, बहुत ही एक फजूल किस्म का चैलेंज स्टार्ट हुआ था जिसके अंदर पीपल वर टेस्टिंग इट। हाँ, इसके ऊपर ये चैलेंज स्टार्ट हुआ था, पूरी सेल करते हैं चिलीज डिफरेंट तरह के। वैसे मिर्चें खाने के चैलेंज मैंने काफी दफा विन किए हैं। अच्छा, आपस में फैमिली में फ्रेंड्स के साथ सोच लिया, लेकिन यहाँ पर कोई कंपेटिटर नहीं होगा आपका। नहीं, अगर आप बाकी तीन भी मेरे साथ मुकाबला करें, मैं फिर अच्छा आप कर सकेंगे। चिलीज अच्छी है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, स्किन के लिए, सुना है मिर्च बहुत अच्छी, स्किन के लिए मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बूस्ट करती है, यानी अगर आपने स्मार्ट रहना है तो। लेकिन यहाँ पर मैं एक वार्निंग दोबारा दूंगी कि इस तरह के जो चैलेंजेस होते हैं, देयर वेरी वेरी डेंजरस। आपको नहीं पता आपकी हार्ट कंडीशन क्या है, आपको नहीं पता आपका बीपी क्या है, एंड चिलीज इस तरह जो है आपका हार्ट रेट भी फास्ट करती हैं, आपका बीपी भी हाई कर देती हैं। एंड देयर वर सम कैजुअलिटीज टू जब ये वाला चैलेंज लिया गया, और कभी कभी बहुत अजीब से चैलेंज, देयर वाज अ सिनेमन चैलेंज जिसके अंदर दार चीनी जो है भर भर के पूरा चम्मच लोग खा रहे थे, इवन दैट आपका गला वो बंद कर देती है। सो प्लीज प्लीज इस तरह के चैलेंजेस मत लिया करें। चिलीज आर वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम, ग्रीन चिलीज, राइट, ग्रीन चिलीज, ऑल चिलीज, जो रेड पाउडर होता है वो, मतलब अगर प्योर हो तो, प्योर हो तो अच्छा, दे वेरी गुड फॉर इम्यून सिस्टम। तो ईंट का जो पाउडर होता है वो उसका रंग मिर्च के रंग जैसा होता है, उसको मिक्स करता है। तो ऐसे ही सब आप तरीके बता दें लोगों को। नहीं नहीं, तरीके नहीं बता रहे, बचना है। अच्छा, दैट्स ट्रू सर। मैंने पत्ती के बारे में इतना कुछ सुना हुआ है कि उसके अंदर रंग डालने के लिए क्या कुछ डाला जाता है, मिलावट तो खैर हमारी हर चीज में। हमारे साथ वो कॉलर है अभी तक, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। मेरे सवाल का आपने पहले जवाब देना है कि ये जो कल्चर है चौपाल का, एक बैठक का, मिलकर कम्युनिटी जो है एंगेजमेंट का, ये दोबारा कैसे लेकर आ सकते हैं हम? अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि टीवी में अक्सर देखती नहीं, अभी मैंने टीवी ऑन किया है तो मैंने डॉक्टर को देखे, डॉक्टर अथर न्यास को। डॉक्टर साहब से मैं आपकी बिल्कुल बात कराऊंगी, लेकिन आपको मेरे सवाल का जवाब देना जी। लेकिन ये कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, इससे पहले मैंने ये प्रोग्राम देखा भी नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। नहीं, आपको, आपने कभी बैठक का भी नहीं पता, कोई कम्युनिटी को एक साथ बिठाना, अपने मसाइल डिस्कस करना, डेरा जो होता है एक? जी वो तो है, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस जानती नहीं। चले कोई बात नहीं, आप हमसे सवाल, डॉक्टर साहब से सवाल कर लीजिए। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि मुझे, यानी मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, तो मैं इनहेलर यूज करती हूँ, तो इनहेलर इस्तेमाल करते हुए तकरीबन मुझे 8-10 साल का अर्सा हो गया है। तो पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब मेरे चेहरे पे कि जो स्किन है इस पे बाल आना शुरू हो गए हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये इनहेलर की वजह से होते हैं। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि इनहेलर्स जो आप यूज करिए ना, इनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, और ये स्टेरॉइड्स बहुत थोड़ी क्वांटिटीज में होते हैं, तो आम लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को चेहरे पे बाल निकल आते हैं, वेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, हड्डियाँ वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, इट कैन हैपन। और अगर खुदा न खास्ता आपने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कभी किया है, तो फिर बहुत चांसेस होते हैं। तो आप इसको, अपने इनहेलर्स को रिप्लेस करवाएं और दूसरे इनहेलर्स इस्तेमाल करना शुरू करें जिनके अंदर स्टेरॉइड्स के कंटेंट्स कम हों। उसके साथ साथ आप बाकी भी अपना चेक करवाएं कि हो सकता है आपको कोई और हार्मोनल इश्यू ना हो, क्योंकि वो भी हो सकती है ना, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो हार्मोन्स चेक कराएं और इनहेलर्स को रिप्लेस करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब क्योंकि मुझे खुद भी जो है एलर्जिक एस्मा, सो आई नो अ लॉट ऑफ
यू नो. अच्छा कुछ जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आई थिंक सो सेरोटोनिन होता है कुछ, यू नो दीज आर पार्ट्स ऑफ इट. सब के अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं फॉर श्योर या सिर्फ ये? नो नो नो, देयर आर इनहेलर्स व्हिच डोंट हैव एनी स्टीरॉइड्स एट ऑल. अच्छा हां जी ठीक है. एंड देयर आर, एंड डू दे वर्क? मेजॉरिटी ऑफ पीपल विद लॉन्ग क्रोनिक एस्मा यूज इनहेलर्स व्हिच हैव स्टीरॉइड्स इन इट. अच्छा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन चूज ऑल्टरनेट मेडिसिन. आप ऑल्टरनेट जो है चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो एस्मा का क्योंकि सवाल है और उसी पर मैंने छोड़ा था कि क्या एस्मा से ड्राइनेस पहले, तो ये मिथ है तो ये भी बता दीजिए कि जिन लोगों को एस्मा होता है उनको डेफिनेटली ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं इचिंग के, रैशेस के कि नहीं? वो नहीं, ऐसे नहीं होता. देखिए बच्चों को एक चीज होती है उसको कहते हैं एटॉपिक एक्जिमा, ड्राई स्किन विद रैशेज. छोटे बच्चों से शुरू होती है, बड़ों को भी होती है, बच्चों को भी होती है. तो इन लोगों में से 75% लोगों को एलर्जीज डेवलप होने के चांसेस होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकियल एस्थमा एंड सो फोर्थ. तो इनकी ड्राई स्किन एस्थमा की वजह से नहीं होती, बल्कि एस्थमा इनकी ड्राई स्किन की साथ हो सकता है. अच्छा, एंड इट कैन बी एग्रीवेटेड, कॉम्बिनेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द एलर्जन. जैसे मैंने पहले बताया था, द कॉन्टेक्ट ऑफ द एलर्जन ड्राई स्किन पैसिंग थ्रू causing more episodes, oh. more recurrences. Okay, but it's not a direct relation नहीं है उसका एस्मा से. ठीक है, आप स्किन का मुझे बताना चाह रही थी. आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, ठीक है, तो उनके लिए एक्सफोलिएशन बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो आपकी स्किन के ऊपर रैशेस डाल देते हैं और फिर वो एक विशेष सा सर्कल है कि उन रैशेस पर फिर जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो उससे जलन होती है. नहीं, आपने एक्सफोलिएट करना है लेकिन सॉफ्टली और जेंटली एक्सफोलिएट करना है. अच्छा, और एस्ट्रिंजेंट बेसिस जो क्लिंजर्स हैं या एक्सफोलिएटर्स हैं वो नहीं यूज करने, अल्कोहल बेस्ड जो है क्लिंजर्स नहीं यूज करने. अच्छा, मिल्की क्लिंजर्स विद लाइट बीड्स आपने यूज करने अगर आप घर में करा रहे हैं, और अगर आप इन ऑफिस ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं उसमें हाइड्रोडर्म एब्रेशंस हैं, वो आपकी स्किन देख के ऑब्वियसली डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितना सॉफ्टली और किस लेवल पे उसको जाके अपडेट करना है स्किन को, और कौन से सीरम्स डालने हैं साथ जो कि हाइड्रेटिंग हो, हेलोरोनिक एसिड हो, ग्लूकोसामीन हो, जो स्किन को प्लम्प अप भी करें और उसकी जो मॉइस्चराइजेशन, जो मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है स्किन का उसको इनहांस भी करें, उसको इनहांस भी करें. तो इस तरह दूसरी बात है जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आपने मॉइस्चराइज करना है बॉडी को, अगर दिन में कोई एक बार करता है तो उसको चाहिए कि राइट आफ्टर शावर बगैर टॉवल ड्राई किए बॉडी को सिर्फ पैड ड्राई करके थोड़े से नम और गीले जिस्म पे आपने मॉइस्चराइजेशन करनी है, तो दैट विल मतलब 24 आवर्स तक वो रह सकती है. ठीक है, बॉडी पे. अदरवाइज अगर आप ड्राई उस पे करते रहेंगे तो वो जल्दी वेयर ऑफ हो जाएगा, आपको दोबारा जो है वो मॉइस्चराइजर बार बार मॉइस्चराइज करना. एक और सवाल है मेरे पास, इसका जवाब मैं आपको ब्रेक के बाद दूंगी. मुझसे एक मेल, अपना नाम आपने नहीं लिखा, 45 इयर्स इनकी एज है और वो कह रहे हैं कि फोरहेड के ऊपर मेरी एक्नी जो है वो हो रही है इस एज में एट 45. तो इसकी वजह क्या है और किस तरह, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ इट? छोटी सी ब्रेक के बाद इसका जवाब आपको देते हैं. हाथों की यहाँ पर बात हुई है तो जरा मैं यहाँ बात करना चाहूंगी कि हम उस वक्त से एलर्जीज और फ्लू और इन सब चीजों की बात करते रहे, लेकिन प्रिवेंशन अगर आप अवॉइड कर सके, मैंने वैक्सीन की भी इसीलिए बात की थी लेकिन वो भी डॉक्टर साहब ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो सिर्फ एक किस्म के आपको वायरस से बचाती है, देयर आर मेनी 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 मोर. तो क्या किया जाए, प्रिवेंशन की क्या क्या स्टेप्स है? प्रिवेंशन के लिए सर्दियों में तो ज्यादा टाइम इनडोर गुजारते हैं, मैंने पहले भी कहा था. अगर फैमिली में कोई सिक हो जाए, somebody's got cold, you have to, you know, stay away from them. And the person who gets a cold, he should also exercise some cautions कि वो छींके तो अपने फेस को कवर करे, क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलती है सब चीजें. उसके बाद छोटे बच्चों में और एडल्ट में भी हैंड वॉशिंग इज रियली ए क्रूशियल स्टेप दैट वन शुड फॉलो ऑल द टाइम. आप कहीं जाते हो, डोर नॉब्स को टच करते हो, कोई चीज को हाथ लगाते हो, पता नहीं उससे पहले किसने हाथ लगाया. यू मस्ट ऑलवेज वॉश योर हैंड्स मेनी टाइम्स अ डे. जब भी आप किसी चीज को हाथ लगाएं तो अपने हाथ वॉश करें, और बच्चों को भी सिखाएं हाथ वॉश करना, इससे भी इन्फेक्शन का फैलाव कम हो जाता है. ये पांच एसेंशियल एरियाज हैं जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिंदगी में पांच वक्त आपके ऐसे हैं जिसके बाद या पहले आपको साबुन से हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए. अच्छा. एक तो टॉयलेट से वापस आते हुए, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, यानी लैट्रिन इस्तेमाल करने के बाद. एक जाहिर है खाना खाने से पहले, ठीक है, या किसी बच्चे को या बुजुर्ग को खाना खिलाने से पहले, ठीक है. फिर खाना पकाने से पहले,
अच्छा, जो कि एक आम तौर पे हम समझते हैं कि खाना पकाना है वो तो जर्म सारे उसके अंदर मर ही जाएंगे, नहीं, रिसर्च ने साबित किया कि खाना पकाने से पहले, शेफ फैसल मुझसे एग्री करेंगे कि इन लोगों की ट्रेनिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जी आप अपने फूड प्रोडक्ट्स को सब्जी काटने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोएं, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कूड़े की हैंडलिंग से, कि आप अपना कूड़ा कचरा सफाई घर में या कहीं पे भी उसकी हैंडलिंग, गार्बेज को हैंडल करने के बाद, कूड़े की हैंडलिंग के बाद आपने साबुन से हाथ धोने। और एक पांचवा जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैंने जब ये रिसर्च पढ़ी और की तो मैं हैरान हो गया कि बच्चों को के नैपीज या पैम्पर्स उनके बदलने के बाद, क्योंकि माए जो है मुमन होते हैं कि अच्छा जी बच्चे का नैपी बदला और उसी हाथ से आपने शायद रोटी बनानी शुरू कर दी या आपने खाना बनाना शुरू कर दिया या आप भूल गए, क्योंकि अब जी बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो दिन में तो पता नहीं कितनी दफा उसको हैंडल, जितनी दफा भी आप बच्चे को हैंडल करें साबुन से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं हाथ धोए। ये पांच हैंड वॉश के एसेंशियल्स के ऊपर अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो हमारे मुल्क में इवन इन्फेंट मोर्टेलिटी, डायरिया, इन ये सारी वो बीमारियां जिनसे अमवात वाकई होती है उन पे हम ड्रास्टिकली काबू पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। एक छोटी सी चीज में इसमें ऐड करना, जी जी जी, टू ऐड ऑन, सब लोग साबुन से हाथ धोने की बात कर रहे हैं लेकिन चूंकि हम एलर्जीज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें ये बहुत जरूरी है मेंशन करना कि प्लीज एंटीबैक्टीरियल सोप से आपने दिन में 5 दफा हाथ नहीं वॉश करना। व्हाट? यस, कोई भी नॉर्मल सोप जिसमें ब्यूटी सोप्स भी हो सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग सोप्स भी हो सकते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन जिसका मॉइस्चर कंटेंट व्हाइट कलर के सोप्स वो आपने यूज करने हैं, प्लीज डोंट गो फॉर द एंटीबैक्टीरियल बिकॉज हमारे जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स या कहीं ओवरऑल द वर्ल्ड कहीं भी यूज होते हैं उनमें इतना ज्यादा एंटीबायोटिक होता है कि वो आपका नॉर्मल फ्लोरा यानी कि जो नॉर्मल जर्म्स या बैक्टीरियाज आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने बनाए हैं वो उसको भी किल कर देता है, एंड देन यू एंड अप विद कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, एक्जिमा, इन्फेक्टेड एक्जिमा। और मैंने बहुत बहुत रोज मैं इसी तरह की चीजें देखती हूँ कि शायद हम एड से मुतासर होके या कुछ करके दिन रात हम उसी से नहा रहे हैं, उसी से हाथ धो रहे हैं, और फैमिली में पूरी पूरी आपके एक्जिमा एंड डर्माटाइटिस और इस तरह की बहुत फंगस, इस तरह की बहुत सारी चीजें फैल रही है जो समझ में भी नहीं आ रही लोगों को कि हमें पहले नहीं होता था और अब अचानक से। मैं तो खुद मेरा तो हर चीज एंटीबैक्टीरियल, किचन के काउंटर पे भी एक अलग से नहीं, एटलीस्ट आपने अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर लें आप कि कॉमन कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना गुनाह। अच्छा, हाँ जी, आपको तो कॉमन कोल्ड्स गो अवे इन 3 to 5 days, वी फाइट देम एंड वी गेट रिड ऑफ देम। बट हाउ डू यू नो इफ इट्स अ कॉमन कोल्ड? वो एक तो ना आपको इस सीजन है, हिस्ट्री है, और सिम्टम्स मैंने बताया था कि कॉमन कोल्ड के कैसे होते हैं, एलर्जी के कैसे होते हैं और इन्फ्लुएंजा कैसे होते हैं। कॉमन कोल्ड में एक तो बहुत हाई फीवर नहीं होता और सिम्टम यूजली माइल्ड होते हैं, they are disturbing with their mild and 3 to 5 days duration hoti hai, to 5 din jab guzar jaye to uske baad fir aap dekhte ho ki ye koi infection hai ki nahi, and unless and until infection is proven don't use antibiotics, antibiotics ki overuse se aapke immune system ka ki tabahi ho jati hai। Doctor hum log bachpan mein suna karte the ki zukam jo hai agar dawai istemal na karo to 7 din mein jayega aur agar dawai istemal karo to 1 hafte mein jayega, 1 hafte mein jayega bilkul, aur kehte hain recurring hota hai ki bar bar jo hai wo, aur ek maine suna to bahut hai ki aap zukam ko behne de lekin doctor sahab itni buri halat ho jati hai agar aap usko behne de na, aap baat karne ke qabil hote ho, dimag sun ho jata hai aapka, mujhe to lagta hai mera dimag hi beh jata hai, aise hi feel hai, true definitely, matlab ek annoying symptoms hote hain but you have to you know let the body fight it। Ek aur ye aap kar sakte hai na ki जैसे अगर आपको फ्रीक्वेंटली होता है तो यू वर्क ऑन योर इम्यूनिटी, आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें। वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर बहुत जो है हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी आते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट थ्रू फूड भी होती है, हकीम साहब भी आते हैं, हर कोई आके जिस तरह अभी हमारी डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही कह रहे हैं कि आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो ये सारी चीजों की तरफ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगेन ये एक बड़ी रिगरस रूटीन है, वो एक लाइफ स्टाइल है। अगर आपने इम्यून सिस्टम अपना अच्छा करें, सर डॉक्टर साहब ने कहा उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें हेल्दी ईटिंग भी है, उसमें जंक फूड आपने छोड़ देना है, तो वो फिर आपको एक लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि करें, लेकिन क्योंकि दौर आजकल तेज तेज चलने वाला है और तेज तेज करने वाला है तो हम आपको वो भी साथ साथ चीजें बताते रहेंगे। एक और बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताऊंगी ये चीजें इन्फेक्शंस के रिगार्डिंग, छोटी सी एक ब्रेक के बाद। जाने से पहले हम इसकी सारी डिटेल्स दोबारा भी बताएंगे ताकि आपको याद रहे। इससे पहले मुझसे जो सवाल किया हुआ है, फोरहेड पर एक्ने हो गई है 45 इयर्स
آف ایج میں تو کیا کریں؟ اس میں دو تین باتیں ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا ڈیلی روٹین کیسا, لیکن میں اگر بتاؤں گی تو شاید ان کو ہیلپ ہو. ایک تو یہ کہ ان کو فرنٹ پہ سیبورک ڈرمٹائٹس, یعنی کہ سر میں فرنٹ پہ خشکی تو نہیں ہے جس کو وہ دیکھ کے شاید یہی کہیں کہ خشکی, وہ جب فال کرتی ہے یا آئلی جن کے اسکیلپ ہو جاتا ہے بہت زیادہ, بالوں میں آئل آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی فور ہیڈ پہ ایکنی ہوتی ہے. دوسری بات, کچھ لوگ جو اوور نائٹ ٹیل لگا کے چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کی اس کا پومیڈ ایکنی کہتے ہیں, اس ایکنی کا خاص نام ہے جو فور ہیڈ پہ ہی ہوتی ہے اور تیل کی وجہ سے ہوتی ہے, فور کلاک کر جاتے ہیں اور پھر انفلمیشن ہو جاتی ہے. تو وہ دونوں چیزیں دیکھ لیں کہ اگر اس کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو ذرا روک لیں. اور دوسری چیز ہے کلنڈامائسین, فاسفیٹ کلنڈامائسین ایک اینٹی بایوٹک جیل فارمز میں آتا ہے, اس کو یہ اپلائی کریں دن میں دو بار, انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی, آپ نے نوٹ کر لی اور دعائیں دیجیے گا ہمیں اف اٹ ورکس فار یو. اچھا سر, دو سوال مجھ سے ہیں مجھے, ایک بچوں کے لیے انہوں نے پوچھے ہوئے کہ کامن ان چلڈرن ہو جاتے ہیں اچی ریش اینڈ فلوئڈ فلڈ بلسٹرز, ٹھیک ہے, جو ایزیلی پاپ ہو جاتے ہیں, امپیٹیگو آئی تھنک, تو بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بے شمار, ٹھیک ہے, ان میں کچھ بہت سیریس بیماریاں بھی ہوتی ہیں, سم آر ویری سیریس, ٹھیک ہے, اینڈ سم آر ناٹ, ٹھیک ہے, تو وہ جب تک آپ دیکھو نہیں, ان کی ڈسٹریبیوشن نہ دیکھو, سائز نہ دیکھو, یا بلسٹر کے کانٹینٹ کا آپ کو پتہ نہ چلے, تو یو کانٹ ریلی ڈائگنوز, ٹھیک ہے نا, صحیح. اور اس میں اسپیشلی کچھ زیادہ ہی ہونی شروع ہو گئی ہیں, کچھ آٹو امیون بلس ڈیزیز ہوتی ہے بچوں کی جو کہ کافی سیریس ہو سکتی, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہم سے پوچھا ہوا ہے, انہوں نے ساتھ یہ امپیٹائگو کا بولا ہوا ہے اور نیچے ایکسپلین اس طرح کیا ہوا ہے کہ اچی ریش ہو جاتا ہے اور فلوئڈ فلڈ بلسٹر ہے جو بہت ایزیلی پاپ ہو جاتا ہے. ایک تو انفیکٹڈ ہوتے ہیں نا, وہ انفیکٹڈ جو ہوتے ہیں امپیٹائگو, وہ تو اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ ایک کورس لو, دے گیٹ بیٹر یوزلی, ٹھیک ہے, بٹ پلیز ڈو گیٹ اٹ چیکڈ, ہاں, بٹ مسٹ بی چیکڈ to rule out the other possibilities, because blister filled skin lesions can be of hundreds of varieties. ٹھیک ہے, ایک اور ہم سے سوال انہوں نے کیا ہوا ہے کہ میرے فنگر کے اوپر ریش سا ہو گیا تھا جس کو میں اچ کرتی رہی, ناؤ اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو ا فنگل نیل انفیکشن. ہو سکتی ہے فنگل کی نیل بیڈ کی انفیکشن ہوتی ہے, میڈیسن ملتی ہے اس کی, آپ پہلے تو اپلیکیشن والی میڈیسن یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں فنگر کو کلپ کر کے, اور اگر اسے اچھی نہیں ہو تو پھر اورل اینٹی فنگل کا کورس کرنا پڑتا ہے, اینڈ اٹ یوزلی کلیئرز ان فیو ویکس, اٹ ٹیکس ا فیو ویکس, ٹھیک ہے. اور ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گی, شنگلز, اگین آئی ہوپ آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ شنگلز, ہاں جی, شنگلز ہرپیز زوستر ہوتی ہے, ہرپیز, یہ بھی ہرپیز ہوتا ہے, ایک وائرس ہے جو آپ کے نروز کے اندر جا کے بیٹھا ہوتا ہے سنس دی چائلڈ ہوڈ, سنس چائلڈ ہوڈ. And then in situations when you are under stress or we have some other illnesses or something, or with many, many different factors, it pops up, it comes to the surface and wahan aake they have a party, and before they come in, wo aapko ek khas area mein pain hoti hai sab, uske baad ye blisters nikalte hain, and then usually ye aapki ek side pe body ke ek half mein hote hain. Oh wow, it's a huge thing. اور زیادہ تر جو امیونو کمپرومائزڈ لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جیسے بچوں میں اور بوڑھوں میں, اچھا, اس میں زیادہ ہوتے ہیں, یا کسی کی ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہے یا امیونو کمپرومائزڈ ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن پلیز اس کو جلدی ڈائگنوز کرا کے اس کا اینٹی وائرل لے لینا چاہیے, لے لینا چاہیے. ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا, ایک آخری ٹپ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو انفنٹس ہوتے ہیں, پلیز پلیز جتنا کم ہو, ان کے بہت کیوٹ ہوتے ہیں, ان کے چیکس بڑے پیارے ہوتے ہیں, لیکن انہیں پچکارے نہ بہت زیادہ, ان کو بہت ہاتھ جو ہے نہ لگائیں, جس طرح ہم نے کہا ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے, اور اسپیسیفکلی جو میں نے آرٹیکل پڑھا تھا وہ تو اورل ہرپیز کے اوپر ہی تھا کہ وہ بہت جلدی ٹرانسفر ہوتی ہے اور بچے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے اگر ان کو لگ جائے, لیکن کوئی بھی بیماری, کوئی بھی الرجن بچوں میں بہت جلدی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, تو پلیز اسے اوائڈ کیجیے بچوں کو, اور اگر آپ کو بہت زیادہ پیار آ رہا ہے ان پہ تو انہیں ہاتھوں سے ہی جو ہے پچکاریے اور اپنے ہاتھ دھو کر, اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو. تو تھینک یو سو مچ آل آف یو فار بینگ ہیئر, اٹ واز لولی having you here, بہت اچھا ساتھ ہمارا پینل تھا آج, مجھے ویسے بھی بات کرنے میں بہت, تھینک یو سو مچ ایوری ون فار بینگ ہیئر, اپنا بہت خیال رکھیے گا, یوں ہی ہمیں پیار کرتے رہیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ رہیں. پلیز کل جو حادثہ ہوا, میں آج اسی بات سے جو ہے یہ شو کا اختتام بھی کروں گی کہ ان فیملیز کو, ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا, اور ان کی فیملیز کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے اس بات کی دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.